पंचायती राज के चुनाव परिणामों से कांग्रेस सकते में है। बीजेपी ने पंचायत समितियों में कांग्रेस से 147 वार्ड और जिला परिषद में 101 वार्ड ज्यादा जीते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्डो के आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त मात दी है। प्रदेश के 21 जिलों में हुए चुनाव में 4371 पंचायत समिति वार्डों में से बीजेपी ने 1989 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1892 वार्ड आए हैं। 439 वार्डों में निर्दलीय जीत दर्ज कराई है। वहीं आरएलपी ने 60, सीपीएम ने 26 और बसपा ने 5 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद के 636 में से 645 वार्डों के आधिकारिक परिणाम जारी हुए हैं। इनमें जिला परिषद के 635 में से 653 वार्ड बीजेपी ने जीते हैं। यहां भी कांग्रेस के खाते में 292 वार्ड ही गए हैं। इसके अलावा निर्दलियों ने 18, आरएलपी ने 10 और सीपीएम ने 2 वार्ड में जीत दर्ज कराई है। पंचायती राज चुनाव में परिणामों से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। सरकार के 2 साल की वर्षगांठ से पहले आए पंचायती चुनाव नतीजों ने कांग्रेस के रणनीतिकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में हार को कांग्रेस सरकार और संगठन के लिए वेकअप कॉल माना जा रहा है। इस हार ने कांग्रेस के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्री विधायकों की हार ने भी कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी है। इस हार ने पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बीजेपी को सरकार की 2 साल की वर्षगांठ से पहले सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। वहीं कांग्रेस जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जिला परिषदों में और पंचायत समितियों में अपने जिला प्रमुख और प्रधान बनाने के प्रयासों में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।